आइए बनाते हैं चिकन बिरयानी हैदराबादी स्टाइल में। तो चिकन बिरयानी किसको नहीं पसंद है। तो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है प्याज। प्याज को मैंने ऐसे जूलियंस काट लिया है। मैंने ये साइज़ के 4 प्याज लिए हैं टोटल। तो यहाँ पे काटने के बाद प्याज को फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पर 4 हरी मिर्च और थोड़ी सी कोथिमीर को ऐड करके इसको मैंने पीस लिया है। फिर मैं 1/2 किलो चिकन में मुट्ठी भर मिंट लीव्स, गरम मसाला 2 टेबल स्पून, रेड चिली 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून और नमक स्वाद अनुसार। एक कंप्लीट मैंने नींबू को निचोड़ लिया है। साथ में मैंने 4 टेबल स्पून दही को ऐड करके मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दिया है। तो जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी का तेल का मैंने इस्तेमाल किया है। 2 कप हम टोटल बिरयानी में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैरिनेशन में मैंने 1 कप ऐड करके थोड़ा सा प्याज जो है तली हुई प्याज मैंने ऐड करके मैरिनेशन में रख दिया है। तो चावल के लिए दूसरे दिन मैं यहाँ पे बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 ग्लास मैंने नॉर्मल पानी पीने का जो ग्लास होता है वो चावल का मैंने मेजरमेंट लिया है। 3 ग्लास का मैंने मेजरमेंट लिया है। तो उसको मैं आधे घंटे के लिए सोक कर रही हूँ अच्छे से वॉश करने के बाद। यहाँ पे दूध पे मैंने कलर ऐड कर लिया है। पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी में मैं डाल रही हूँ इलायची, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च और यहाँ पे मैं मिंट लीव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। तो मिंट लीव्स मैं इसके साथ डाल रही हूँ, उसके स्टेम में बहुत सारा फ्लेवर होता है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए बना दिया है एक पतीला लेकर मैंने ये मैरिनेटेड चिकन जो है वो ऐड कर दिया है बेस में। फिर यहाँ पे मैं पानी स्ट्रेन करके जो पानी उबल रहा है इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि चावल अच्छे से खिल के पके, क्योंकि बासमती जो है अगर लग जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेन कर लिया चावल को और उसके ऊपर मैंने टॉप कर दिया है। चावल के साथ मैंने कोट कर लिया चिकन को। फिर मैंने ऐड किया जो बचा हुआ 1 कप तेल, तली हुई प्याज, थोड़ा सा धनिया और कलर ऐड करने के बाद मैं इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दूंगी। और इसको मैंने एल्युमिनियम के साथ रैप कर लिया है लिड को। और इसको मैं 30 मिनट्स के लिए टोटल दम दे रही हूँ। दम देने के बाद ये एल्युमिनियम के बाहर से जब धुआं आता है तभी कंफर्म होता है कि कम्प्लीटली कुक हो गया चावल और जो हमारा चिकन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और खिला खिला बना है। आप भी इन्जॉय कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिलीज़ के साथ ये यम्मी सी रेसिपी। थैंक यू।